देश और अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप एएनवी न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप रेल यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि भारतीय रेलवे 1 सितंबर से फ्री में मिलने वाली एक सेवा में बदलाव करने जा रही है, या यूं कहिए बंद करने जा रही है। जी हाँ, अब तक आप जब भी भारतीय रेलवे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई भी टिकट बुक करते हैं तो आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिलता था, लेकिन अब ये सुविधा मिलेगी तो ज़रूर, लेकिन रेलवे ये सुविधा स्वयं नहीं देगा। आप 1 सितंबर से जो भी ई टिकट बुक करेंगे तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस तो मिलेगा, लेकिन ये ऑप्शनल होगा और आपको दो विकल्प, ऑप्ट इन यानी कि चाहिए और ऑप्ट आउट मतलब नहीं चाहिए। अगर आप ऑप्ट इन का विकल्प चुनेंगे तो आपको प्रीमियम का पैसा खुद की जेब से भरना होगा। आपको बता दें कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2017 से ई टिकट बुक के साथ फ्री में इंश्योरेंस देने की सुविधा दी थी। इसके तहत भारतीय रेलवे अधिकतम 10 लाख रुपए इंश्योरेंस के रूप में देता है और ये रुपए यात्री की किसी दुर्घटना में मौत होने पर दिए जाते हैं। इसके अलावा अपंग होने वाले व्यक्ति को 7 लाख रुपए और घायल होने पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं मृतक के अंतिम अवशेष ले जाने के लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन अब ये सुविधा रेलवे आपको फ्री नहीं देगा, बल्कि आपको अपने पैसे खुद भर के ये सुविधा लेनी पड़ेगी।